जीएसटी एक्ट के अंतर्गत हाई कोर्ट के द्वारा इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया गया है। यदि टैक्स इनवाइस में मेंशन किया गया नंबर ईवे बिल से टैली नहीं होता है तो क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है? इसके लिए हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। केस के फैक्ट्स प्रकार हैं, जीएसटी ऑफिसर के द्वारा 2 लाख रुपए से ज़्यादा की जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्स और पेनल्टी इम्पोज की गई और ये ग्राउंड दिया गया कि जीएसटी की टैक्स इनवाइस में जो नंबर मेंशन किया गया है वो ई वे बिल में जो नंबर मेंशन किया है उससे टैली नहीं करता है। टैक्स पेयर के द्वारा ये टैक्स पे पेनल्टी पे कर दी गई ताकि गुड्स को रिलीज करवाया जा सके और उसके बाद हाई कोर्ट में रिट पटिशन डाली कि उसने जो टैक्स और पेनल्टी पे की है उसका रिफंड दिया जाए। जीएसटी ऑफिसर का कहना था कि टैक्स पेयर ने ऑलरेडी ये अमाउंट पे कर दिया है इसलिए अब इसका रिफंड नहीं क्लेम किया जा सकता। हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया कि भले ही टैक्स और पेनल्टी पे कर दी गई है लेकिन उसके बाद भी टैक्स पेयर इस एक्शन को चैलेंज कर सकता है कि उससे जो अमाउंट कलेक्ट किया गया है वो गलत तरीके से कलेक्ट किया गया है। और सीबीआईसी की भी एक इंस्ट्रक्शंस है कि यदि 1 या 2 डिजिट लेवल की गलती करता है टैक्स पेयर ईवे बिल को बनाते हुए तो उससे कोई पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी। इसलिए टैक्स पेयर की रिट पटिशन को अलाउ किया गया और जीएसटी डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दी गई कि टैक्स पेयर से जो टैक्स और पेनल्टी कलेक्ट की गई है उसे रिफंड किया जाए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि छोटी मोटी गलती के लिए भी ई वे बिल के अंदर यदि हो जाती है तो जीएसटी ऑफिसर पेनल्टी लगा देता है। उस केस में आप इस जजमेंट से बेनिफिट ले सकते हैं। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाए। फ्रेंड्स, आप जीएसटी और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, आईटीएटी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।